हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो है आपकी रीजनिंग की। महत्वपूर्ण टॉपिक आपके आज चल रहे हैं रीजनिंग में। और अगर आपने दो तीन क्लासेस हैं जो कि रीजनिंग के मैंने करा दी हैं, जिनमें हमने अंग्रेजी वर्णमाला और कोडिंग डिकोडिंग वाला जो टाइप थे उनको किया है। अगर आपने वो नहीं किया है अभी तक तो उनको कर लेना। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के, संख्या पद्धति की हम बात करेंगे। और आपको मेरी रीजनिंग की क्लासेस कैसी लग रही हैं फीडबैक के रूप में आप बता सकते हैं, कितना आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आपको और डीप चाहिए, और क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप कोई भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक आपका नंबर सिस्टम, जिसको संख्या पद्धति बोला जाता है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम की हम बात करेंगे। संख्या पद्धति, और इसका जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो है संख्या श्रृंखला। संख्या श्रृंखला, संख्या श्रृंखला का मतलब है नंबर सीरीज। इसका मतलब है नंबर सीरीज। देखो भाई, यहाँ से किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हम देखते हैं, और फिर हम उनको यहाँ पर लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे, इनकी लॉजिक क्या क्या बन सकते हैं, और यहाँ पर आपको ट्रिक क्या लगानी है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सीधे से हम इस टॉपिक पे आके देखते हैं किस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो टाइप वन आप हम आज डिस्कस करेंगे। इसका क्या करेंगे, टाइप वन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ आपके सामने, जैसे मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so on, इस तरीके से आगे को। दूसरी चीज़ मैंने और लिखी 2, 4, 6, 10। तीसरी नंबर सीरीज मैंने लिखी 1, 3, 5, 7, 9, 11, डैश डैश। अब देखो, ये तीन नंबर सीरीज़ को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, और फिर हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि ये सीरीज़ होती क्या है। अब पहली सीरीज़ को अगर आप देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैंने गिनती लिख दी है, नंबर्स लिख दिए हैं। और अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि ये क्या है, तो देखो ये 2 कैसे आया। अगर मैं इस 1 में 1 ऐड करूँगा तभी तो 2 आएगा मेरे पास। 3 कैसे आया होगा, अगर मैं 2 में 1 जोड़ दूं तो मेरे पास 3 आया होगा। उसी प्रकार 4 क्यों कैसे आया होगा, 3 में अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो 4 आया होगा, और 4 में 1 जोड़ दूंगा तो 5 आया होगा, 5 में 1 जोड़ दूंगा तो 6 आया होगा। इसी प्रकार से हमारी ये सीरीज चल रही है। अगर दूसरे वाले की बात करें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हर एक में आपको 2-2 का अंतर है, 2-2 जोड़ना पड़ रहा है। कितना जोड़ना पड़ रहा है, इसमें 2-2 जोड़ना पड़ रहा है। फिर आप देखो अगले वाले में, देखो 1 से 3 गया तो यहाँ पर आपको 2 जोड़ना है, 3 से 5 गया फिर 2 जोड़ना है, 5 से 7 गया 2 जोड़ना है, 7 से 9 जाना है फिर से 2 जोड़ना है। अब आप क्या समझे, इस सीरीज में कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जोड़ रहे हैं और वो पूरी सीरीज में चल रहा है। देखो एक 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 पूरी सीरीज में एक एक जोड़ रहा है। इसमें आप देखोगे 2, 2, 2, 2 सभी में जोड़ रहा है, इसमें भी 2 सभी में जोड़ रहा है, यानी कि एक क्रम बना रहा है, एक सीक्वेंस बना रहा है। इसको हम कहते हैं नंबर सीरीज। अब यहाँ से टाइप वन में हम क्या करेंगे, कुछ टाइप्स हैं इसके, उसमें में पहला टाइप है, और इस पहले टाइप में हम देखेंगे कि ये नंबर सीरीज जो है किस प्रकार से आपकी हो सकती है, किस किस प्रकार के नंबर सीरीज हो सकती है। पहली देखो
जोड़ वाली नंबर सीरीज हो सकती है ऐड वाली, यानी कि जिसमें कि हर एक अगला क्रम प्रीवियस में कुछ ना कुछ जोड़ के आया होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, पहला एग्जांपल इसका है, पहला उदाहरण हम देखते हैं, 2, 8, 14, 26, 38 और 56। अब हमको बताना है कि नेक्स्ट वाला क्या होगा। इस टाइप के आपके यहाँ पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने ये आपको लाने की कोशिश की इस टाइप के क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बीच का अंतर देखेंगे कि कितने कितने का अंतर हो रहा है, इनके बीच में अंतर देखेंगे कि कितने कितने का गैप है। अब आप देखोगे कि 2 से 8 जाने पर आपको 6 का गैप मिलेगा, यानी कि 6 जोड़ना पड़ेगा तभी हमारे पास 8 आएगा। 8 से 14 में जाने के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 8 प्लस 6 अगर आप ऐड करोगे तो 14 आ जाएगा। 14 में अगर 26, 14 से 26 अगर जाओगे तो कैसे किस प्रकार से आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 26 में से 14 को घटाना पड़ेगा तो आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12। यहाँ पर हमने 12 ऐड किया। उसी प्रकार 38 कैसे आया होगा, हम अगर देखें तो 38 में से माइनस कर दो 26 को, तो ये आ जाएगा 12, यानी कि 12 इसको जोड़ के भी आया। अब यहाँ पर देखो क्या है, 56 है और 38 है, तो 56 में से हम क्या करेंगे, 38 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पर बचा 4, 4 में से 3 गया 1, 18 आ गया। कितना आ गया, 18। तो हमारे पास एक कुछ ना कुछ, अब हम इसमें लॉजिक लगाते हैं कि क्या लॉजिक बन रहा है। आप देखोगे कि पहले के दो में 2 6 ऐड हो रहे हैं, फिर 12 12 ऐड हो रहे हैं 2 बार, और उसी प्रकार अब आने वाले जो होंगे उसमें 18 18 का जोड़ करना पड़ेगा। तो पहले वाले में 18 एक बार जोड़ना है, फिर हम एक बार 18 और जोड़ेंगे, तो 56 में अगर 18 हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 74। कितना हो जाएगा, 74, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। और तो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इसके सेकेंड क्वेश्चन देखो, -1 0 3 8 यहाँ पर कौन सा होगा। एक और ले लेते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन पे ले लेते हैं, 6 8 17 19 28 30 और क्यों। दोनों क्वेश्चनों को हम करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखो, अब ये जो सीरीज है ये बढ़ी हुई सीरीज भी हो सकती है और माइनस से भी शुरू हो सकती है। देखो यहाँ पर माइनस से शुरू हो रही है सीरीज, इसीलिए ये क्वेश्चन को लाने का मेरा मकसद था कि हम पॉजिटिव से शुरू ना करते हुए इसको नेगेटिव से अगर शुरू करेंगे तो किस प्रकार से, अगर हाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। इन दोनों के बीच में अंतर देखोगे, -1 और 0 के बीच में, तो आपको अंतर दिखाई देगा। -1 के बाद 0 कब आएगा, जब हम इसमें 1 जोड़ देंगे। -1 में 1 अगर हम जोड़ देंगे तो 0 आ जाता है, और 0 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 में अगर 5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब कितना जोड़ें कि हमारा जो आंसर है वो आ जाए। तो देखो यहाँ पर क्या सीरीज बन रही, लॉजिक क्या बन रहा है, यहाँ पर जो लॉजिक बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ पर लॉजिक क्या क्या बन सकता है। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिक क्या क्या बन सकते हैं, लॉजिक पहला बन सकता है सम संख्या का, सम मतलब इवन नंबर का। विषम संख्याओं का लॉजिक बन सकता है, विषम संख्याओं का लॉजिक बन सकता है।
तीसरा आपका नियत संख्या जोड़ने का बन सकता है, चौथा आपका वर्ग का बन सकता है, पांचवा आपका घन का बन सकता है। इसको आप लॉजिक को ध्यान में रखना कि इस टाइप के लॉजिक बनाने की कोशिश करना। सम संख्या है यानी कि जो सीरीज है इनमें हमको एक सम संख्या का क्रम देखने को मिलेगा। जैसे इस वाली सीरीज में आपको क्या क्रम देखने को मिल रहा है, 1 3 5, 1 3 5 7 9 11 13। ये कैसा क्रम है, एक विषम क्रम है। आई होप इतना तो आपको थोड़ा सा समझ में आता होगा कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये आता होगा सम संख्या विषम संख्या। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 3 5, तो अगली विषम संख्या क्या होगी, अगली विषम संख्या होगी 7। तो हम इसमें 7 को ऐड कर देंगे। 8 में 7 ऐड करके कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 8 में 7 ऐड करके 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर लॉजिक हमारा बन रहा है। अब देखो एक अगली सीरीज है, इस सीरीज में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। आपको क्यू दे दिया, आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि क्यू की वैल्यू क्या होगी। इसमें देखो क्या करेंगे हम, 6 से 8 जाने में देखेंगे कि कितना ऐड करना पड़ रहा है, तो 2 ऐड करना पड़ रहा है। 8 से अगर हम 17 में गए तो कितना ऐड करना पड़ रहा है, 9 ऐड करना पड़ रहा है, कितना 9। फिर 17 से 19 में गए, 2 ऐड करना पड़ रहा है। फिर 19 से 28 में गए, 9 ऐड करना पड़ रहा है। फिर 28 से 30 में गए, 2 ऐड करना पड़ रहा है। अब हम क्या ऐड करेंगे कि हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी। इसमें हम अगर लॉजिक ढूंढें, इसमें हम लॉजिक ढूंढें तो क्या लॉजिक मिल रहा है हमको, +2 +9 का लॉजिक मिल रहा है, +2 +9 का लॉजिक मिल रहा है। यही लॉजिक रिपीट हो रहा है बार बार। देखो एक बार रिपीट हो गया यहाँ पर, फिर रिपीट होगा ये, तो +2 के बाद +9 हम करेंगे, तो 30 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 39। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सीरीज बनेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप के यहाँ पर आपके लॉजिक बनेंगे। हमने अभी तक जो भी लॉजिक देखे वो ऐड करने वाले देखे। क्या देखे हमने, ऐड करने वाले। कोई भी सीरीज चल रही थी अभी तक, ऐड कर रहे थे। कैसे कैसे ऐड कर सकते थे हम, सम संख्या ऐड कर सकते हैं, विषम संख्या ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई एक फिक्स संख्या नियत संख्या को जोड़ के ऐड कर सकते हैं। अभी ये वर्ग और घन को धीरे धीरे करके लाऊंगा मैं। वर्ग और घन के बारे में भी अभी देखेंगे, पहले फिलहाल इतना ही देखो नियत तक। एक और ला रहा हूं मैं क्वेश्चन आपके लिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये लॉजिक देखो, 19 37 है, फिर 32, फिर 50 45 63, और यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि कितने कितने का गैप है। सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए गैप देखना पड़ता है, इनके बीच में अंतर कितना है। तो अगर हम अंतर देखें, 19 से 37 में जाने के लिए कितना अंतर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 37 में से 19 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 18। 18 हम ऐड करेंगे 19 में तो आ जाएगा कितना, 37 आ जाएगा। इसी प्रकार अब देखो 37 में से अब यहाँ पर हमको 32 लाना है, तो 37 में से 32 किस प्रकार से आएगा, जब हम घटाएंगे 37 में कुछ, क्योंकि अब जुड़ेगा नहीं, अब क्या हो रहा है, घट रहा है। अब क्या हो रहा है, घट रहा है। कितना घटेगा, 37 में से अगर मैं 5 घटा दूंगा तो 32 आ जाएगा। अब देखो 32 से 50 जा रहा है, यानी कि संख्या बढ़ रही है, तो 32 से 50 जाने के लिए मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा, 18 ऐड करना पड़ेगा। अब हम 50 से 45 में जाएंगे, तो 45 से में जाने के लिए हमको घटाना पड़ेगा, और कितना घटाना पड़ेगा, -5। इसी प्रकार 45 में से
63 अगर हमको जाना है, 45 के बाद 63 में जाना है, तो हमको ऐड करना पड़ेगा कितना, 18। अब देखो लॉजिक क्या बन रहा है, अब हम क्या करें यहाँ पर, प्लस करें या माइनस करें। देखो पहले हमने किया प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यहाँ पर हम करेंगे माइनस। कितना माइनस करेंगे, लॉजिक क्या बन रहा है, 18 5, 18 5, 18 5, तो 5 माइनस करेंगे 63 में से, तो ये कितना आ जाएगा, 58। 58 आ जाएगा हमारा आंसर। अगर हम 63 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 58। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ही सीरीज में आपको प्लस और माइनस देखने को मिल सकता है, तो आप घबराना मत। अभी तक हमने सिर्फ प्लस करने वाला देखा, अब हमने माइनस करने वाला भी देख लिया कि एक सीरीज में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब इसी सीरीज को अगर हम और आगे की ओर बढ़ाएं, इसी सीरीज को और आगे की ओर बढ़ाएं, तो अब हम बात करेंगे घटाने की। अब हम बात करेंगे घटाने की, जोड़ वाला हमने देख लिया, अब हम देखेंगे घटाना। तो क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन है 325, 259, 204, 10, 160, 127 और 105, यहाँ पर क्या आएगा? हमको देखने से ही पता चल रहा है कि अगर हम सीरीज में आगे की ओर बढ़ें तो संख्याएं घट रही हैं, कम हो रही हैं। जैसे 325 है, फिर 259 है, फिर 204, 160, फिर ये संख्याएं घट रही हैं। हम सीधे से ही लॉजिक ये हमारे समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी संख्या इसमें घटानी पड़ेगी। तो अगर मैं इसमें से इसको घटाने की कोशिश करूँ तो कितना घटाना पड़ेगा, 15 में से 9 गया 6 और 31 में से 25 चले गया 6, 66 हमको घटाना पड़ रहा है पहले वाले में। कितना घटाना पड़ रहा है, 66। अब दूसरा वाला देखो कितना घटाना पड़ेगा हमको, 9 में से 4 गया 5 और ये आ गया 5 में से 0 गया 5, 55 हमको माइनस करना पड़ रहा है, 55। इसमें देखो भाई कितना माइनस करना पड़ रहा है, 4 में से 0 गया 4, 20 में से 16 गया 4, -44 हमको इसमें माइनस करना पड़ रहा है। अब 160 से 127 जाने के लिए हमको कितना माइनस करना पड़ेगा, 10 में से 7 गया 3, 16 में 14, ये आ गया 33। कितना आ गया, 33। अब आगे देखो कितना हमको माइनस करना पड़ रहा है, 7 में से 5 गया 2 और 22, इसमें हमको माइनस करना पड़ रहा है 22। हमारे पास क्या लॉजिक बना, देखो लॉजिक क्या बन रहा है, यहाँ पर लॉजिक ये बन रहा है कि 66 माइनस 55, 44, 33 और 22, ये क्या है, एक घटता हुआ क्रम है। और ये जो 66, 55, 44, 33 और 22, ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। अगर मैं 11 की गुणा 6 से करूँ तो 66 आ जाएगा, 11 की गुणा 5 से करूँ 55 आ जाएगा, 11 की गुणा 4 से करूं 44 आ जाएगा, 11 की गुणा 3 से करूं 33 आ जाएगा, 11 की गुणा 2 से करूं 22 आ जाएगा। यानी कि हर किसी में 11 की गुणा करनी पड़ी और घटते हुए क्रम में। तो अब मैं यहाँ पर कोई भी एक ऐसी संख्या लूँगा जिसमें 11 को 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो 11 माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, 11 माइनस करना पड़ेगा। 105 में से अगर हम 11 माइनस करें तो ये कितना आ जाएगा, 94। ये कितना आ जाएगा, 94 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कौन सा लॉजिक आपको समझ में नहीं आया है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। हमने माइनस वाला भी देख लिया, अब हम एक अलग से देखने वाले हैं। जैसे देखो 1, 2, 6, 12, 36, 72,
216 ये। अगर आपको इस टाइप की सीरीज देखे तो आप क्या करोगे? यहाँ पर 1, 2, 6, 12, 36, 72, 216 और आगे को क्या आएगा ये हमको बताना है। हम इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो पहले संख्या बहुत छोटी है, और जब छोटी है उसके बाद देखो धीरे धीरे करके एकदम से बढ़ गई, 216 पहुंच गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम जोड़ करें, अगर हम जोड़ करने की कोशिश करें उसको देख लेते हैं आप। सबसे पहले अगर हम ऐड करेंगे तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। सबसे पहला काम हमारा ऐड करने का रहेगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 से 6 में जाने के लिए हमको 4 ऐड करना पड़ेगा, और 6 से 12 में जाने के लिए हमको 6 ऐड करना पड़ेगा, और 12 से 36 में जाने के लिए 24 ऐड करना पड़ेगा, और 36 से 72 में जाने के लिए हमको 36 ऐड करना पड़ेगा। अभी हम इतना ही ऐड करते हैं और फिर लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई लॉजिक बन रहा है या फिर नहीं। अगर हम 1 देखें, 4 देखें, 6 देखें, 24 और 36, देखो इसमें कोई सम संख्या का लॉजिक बन रहा है क्या? कि मतलब कोई एक नियत संख्या जरूरी हो, सम संख्या कोई जरूरी हो? ऐसी संख्या तो हमको जुड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। 1 और 3, यहाँ पर 3 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 18 का गैप है। कोई एक समान गैप हमको नहीं दिखाई दे रहा है, ना सम संख्या का गैप दिखाई दे रहा है, ना विषम संख्या का, ना कोई एक नियत ऐसी संख्या दिखाई दे रही है इनके बीच में कि कोई फिक्स संख्या हो जिसको हमको जोड़ना पड़ रहा है। तो जब इस टाइप की चीज़ें हमको नहीं दिखाई देती हैं और लॉजिक नहीं बन रहा होता है जोड़ने के बाद, घटाने के बाद, तब हम वहाँ पर सहारा लेते हैं गुणा का, तब हम वहां पर सहारा लेते हैं गुणा का। अब गुणा में चीजें हमको पता कैसे चलेगा कि गुणा कर रहे हैं हम? हमको पता कैसे चलेगा कि इस सीरीज में गुणा कर रहे हैं? तो गुणा का मतलब होता है संख्या को बड़ा करना। कोई संख्या अगर छोटी है और वो एकदम से बड़ी हो जा रही है तो हम वहां पर क्या लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे? गुणा का। देखो 1 है, 1 बन गया है 216, लगभग कितने कितने लोग अंक के बाद? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर के बाद ये सीधे 216 पहुंच गया। इसका मतलब इसमें क्या होगा? एक रैपिडली चेंज आ रहा है, मतलब अचानक से चेंज आ रहा है बढ़ते हुए क्रम में, तो हम वहाँ पर गुणा का प्रयोग करेंगे। जो हमारा टाइप रहेगा ये रहेगा गुणा का। अब गुणा कैसे करेंगे? देखो 1 में मैं अगर 2 की गुणा कर दूँ, 1 में मैं 2 की गुणा कर दूं तो 2 एकम 2 आ जाता है। अगर मैं 2 से 6 कैसे आएगा? 2 से 6 कैसे आएगा? 2 की अगर मैं पहाड़ा पढ़ूं तो कितने बार आएगा? 3 बार, तो 2 3 6 आ जाता है। फिर 6 से 12 किस प्रकार आएगा? 12 की गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो 6 दुना 12 आ जाएगा। 12 से 36 किस प्रकार आएगा? 12 के पहाड़े में 12 3 36 आता है। 36 को अगर मैं 72 लिखने की कोशिश करूं तो क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। और 72 से अगर मैं 216 में जाऊंगा तो 3 से गुणा करना पड़ेगा मेरे को। अब अगला वाला क्या होगा? गुणा करना पड़ेगा। कितने से गुणा करना पड़ेगा? लॉजिक देखो, पहले 2 का गुणा, फिर 3 का, फिर 2, फिर 3, 2 3, तो यहाँ मेरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा। लॉजिक देखो, कुछ एक ऐसी संख्या का क्रम बन रहा है जो कि हर कहीं पर चल रहा है, पहले 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, यानी कि 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3, इस प्रकार से हमारा क्रम बनता जा रहा है। तो 216 में अगर मैं 2 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा? 432 आ जाएगा मेरा आंसर। ये जो 432 होगा वो मेरा क्या होगा? आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इनको गुणा वाले भी करने की कोशिश करना। अब हम और देखते हैं, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे 5 5 है, फिर 15 है, फिर 75 है, फिर 525 है, और फिर 4 7 2 5।
अब देखो फिर से यहाँ पर क्या लॉजिक बन रहा होगा उस चीज़ को हम देखते हैं। मैंने क्या कहा कि कोई भी संख्या अगर छोटी है और वो एकदम से बढ़ते हुए क्रम पर जा रही है तो इसका मतलब वहाँ अवश्य ही गुणा का प्रयोग हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो हम अगर देखें 5 है, ये 5 15 बन गया, 15 से 75 बन गया, फिर 525, फिर 4725 बन गया, यानी कि संख्याएं एकदम से बढ़ रही हैं। जब भी एकदम से बढ़ रही होंगी तो हमको वहाँ पर गुणा का प्रयोग करना पड़ेगा, गुणा वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं गुणा वाला लॉजिक लगाऊं तो 5 से 5 में जाने के लिए मेरे को 1 से गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो 5 से 5 में जा पाऊंगा मैं। 5 एकम 5, 5 वन जा 5। 5 से 15 में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो 5 का टेबल हम 15 में देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 5 3 जा 5, 3 जा 15 आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा। अगर मैं 15 से 75 में जाने की कोशिश करूं तो मुझे 15 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 15 5 जा 5 बार मेरे को इसको करना पड़ेगा, तो 15 पीछे 75 मेरा आ जाएगा। अब देखो आपको बहुत, अब देखो यहाँ पर क्या है, 525 है, 4725 है, हम इसको क्या करने की कोशिश करेंगे, आप वहाँ पर बैठोगे तो आप हो सकता है कि इसको इस प्रकार से करोगे, 525 में हमने भागा दिया 75 का तो कितनी बार जाएगा, इस प्रकार से कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि 4725 में 525 का भागा कितनी बार जाएगा, इस प्रकार से हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको इतना नहीं करना है क्योंकि बड़ी संख्या में चले गए, बड़ी संख्या में चले गए तो आपको कैलकुलेशन भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो एक लॉजिक पहले से ही अपने माइंड में बैठा लो कि क्या लॉजिक लग रहा है। तो लॉजिक यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 3 5, 1 3 5, मैंने कहा था 1 3 5 क्या है, विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याओं का लॉजिक लगा। अगर हम यहाँ पर 1 3 5 के बाद लॉजिक लगाने की कोशिश करें तो अगली जो गुणा होगी वो होगी 7 से, अगली गुणा होगी 7 से, क्यों, क्योंकि विषम संख्या अगली है 7, और फिर 7 7 के बाद अगली संख्या क्या होगी, 9 होगी 9 होगी, और फिर अगली संख्या क्या होगी, 9 के बाद क्या आता है, 11 9 के बाद क्या आता है, 11। तो अगर हमको यहाँ पर कोई संख्या ढूंढनी होगी तो हम 11 से गुणा करते, कितने से गुणा करते, 11 से। तो 11 से गुणा करो, 11 5 55, 11 2 22 22 5 27, 11 7 77, 77 2 69, 11 6 44 44 और 7, ये आ गया 51975, कितना आ गया, 51975। देखो मैं यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक आपको बताना चाहता हूँ, जब आपको 11 का टेबल अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, 11 से इसको गुणा करना नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे जल्दी से, बिल्कुल सेकंडों में कैसे करोगे। हमारे पास क्या था, हमारे पास था 4 7 2 5, इसमें हमने करनी है 11 की गुणा। तो 11 की गुणा करने का एक महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है, एक ट्रिक है जिसको आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं 11 की गुणा करने के लिए। आप क्या करोगे, इस 5 को ऐसे ही लिखोगे, 5 को 5 ही लिखा, अब क्या करोगे दूसरी वाली संख्या में इसको ऐड करते जाओगे, 5 में 2 को जोड़ोगे तो लिख दोगे यहाँ पर 7, फिर जो भी आया इसको हमने लिख दिया 7, अब इसमें इसको जोड़ो, 2 में 7 जोड़ो तो आ जाएगा 9, अब 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 11। अब ये जो लास्ट वाली संख्या थी 4, इसमें जो हासिल आ रखा है, जो हमारा कैरी आ रखा है उसको जोड़ दो तो ये आ जाएगा 4 और 1 5। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो यही चीज़ आ रही है, 5 1 9 7 5। तो शॉर्ट ट्रिक भी आपको यहाँ पर से पता चल गई होगी 11 की मल्टीप्लाई की, कि किस प्रकार हमने 11 की गुणा कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण आपके लॉजिक में, जो कि नंबर सीरीज से पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं वर्ग में, वर्ग
देखो ये वाली चीज़ अब हम आगे वर्ग में, मैंने कहा था अब अभी कराऊंगा मैं। तो वर्ग क्या होते हैं? स्क्वायर। जैसे कि एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार होता है, यानी कि उसी संख्या को दो बार गुणा करना, उसी संख्या को दो बार गुणा करना। अगर किसी को ये नहीं आ रहा होगा तो समझ लेना, वरना ये हर किसी को पता होगा कि स्क्वायर क्या होते हैं। फिर तीन का स्क्वायर करेंगे तो थ्री थ्री जा नाइन, इस प्रकार से। और आपको याद करने हैं ये कितने तक, एक से लेके 25 तक तो कम से कम याद करने हैं, एक से लेके 25 तक के वर्ग आपको याद करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन सीधे से पूछ लिया जाएगा। अगर 144 कहीं पर सीरीज में दिख गया, 144 अगर आपको सीरीज में दिख गया, तो आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि यार यहाँ पर एक लॉजिक बन रहा है, वो है वर्ग का, और ये वर्ग बनने वाला है 12 का वर्ग। अगर 625 अगर आपको कहीं पर दिख रहा है सीरीज में, तो आपके माइंड में एक लॉजिक ये क्लिक करना चाहिए कि ये जो लॉजिक बनेगा यहाँ पर 25 का स्क्वायर का लॉजिक भी बन सकता है, वर्ग का लॉजिक भी बन सकता है। मतलब आप क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा आगे आ चुके हैं अगर आपको ये वर्ग याद हो जाएंगे तो, वरना आप सोचते रह जाओगे 144 625 वगैरह वगैरह। अगर याद है आपको तो आप डायरेक्टली वहाँ पर इस चीज़ को अपने माइंड में कर सकते हैं। इसका यूज अब हम देखेंगे क्वेश्चन में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको ये वर्ग याद करने चाहिए? देखो सबसे पहले तो हम एक क्वेश्चन करता हूँ मैं, जैसे 100, 121, 144, 169। अगला क्या होगा मुझे ये बताना है। अगर जिसे वर्ग याद नहीं है, जिसे वर्ग याद नहीं है वो क्या करेगा? मैंने अभी तक क्या बताया आपको? मैंने एक चीज़ बताई जोड़ना, एक चीज़ बताई घटाना, तीसरी चीज़ बताई गुणा करना। आप लोग यही करोगे कि इसमें हम संख्याएं बढ़ रही हैं तो हम जोड़ते जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे। तो जोड़ो 100 में क्या जोड़ें कि 121 आ जाए, तो हम 21 जोड़ेंगे यहाँ पर। 121 में क्या जोड़ें कि 144 आ जाए, तो हम देखो 4 में से 1 या 3 2 23 हम जोड़ेंगे। फिर आप देखो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 9 में से 4 या 5, और यहाँ पर 6 में से 4 या 2 25। यहाँ पर हम क्या करेंगे 25 ऐड करेंगे, इस प्रकार से। अब हम नेक्स्ट चीज़ क्या ऐड कर सकते हैं ये हम देखेंगे। तो क्या क्रम बन रहा है यहाँ पर, 21 23 25, क्या क्रम बन रहा है 21 23 25, यानी कि विषम संख्याओं का बन रहा है, विषम संख्याओं का। 21 के बाद 23 आया, 23 के बाद 25 आया, विषम संख्याएं बन रही हैं, जिनके बीच में कितने का गैप है, दो दो का। इनके बीच में कितने कितने का गैप है, दो दो का। तो 25 में अगर हम 2 ऐड करें तो 27। यहाँ पर हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, 27 जोड़ना पड़ेगा, और 9 और 7 16, 6 2 8, और ये 186 आपका हो जाएगा। वन नाइन्टी सिक्स आपका हो जाएगा, ये 196 है। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं, पहली चीज़ तो ये है। लेकिन अगर वर्ग आपको याद होगी, आपको अगर वर्ग याद हो गए, तो मैंने क्या कहा कि आप थोड़ा सा और जल्दी स्लो इसको कर ले जाओगे। यहाँ पर आपको करने में कितना समय लगेगा, इसको करने में 30 सेकंड या 1 मिनट का समय लगेगा। लेकिन आप इसको 10 सेकंड में भी कर सकते हैं, 5 सेकंड में भी कर सकते हैं। कैसे? अगर वर्ग आपको याद हो गए और आपको ये पता चल गया कि ये जो 100 है ये 10 का वर्ग होता है, ये है एक 11 का वर्ग, ये है 12 का वर्ग, ये है 13 का वर्ग, और अब जो वर्ग आएगा वो आएगा 14 का वर्ग। 14 का वर्ग होता है 196, 14 का वर्ग होता है 196। तो इस प्रकार से आप इसको डायरेक्टली कर सकते थे, क्योंकि आपके माइंड में ये क्लिक था कि 100 वर्ग होता है, 121 भी वर्ग होता है, 144 भी वर्ग होता है, 169 भी वर्ग होता है। तो यहाँ पर जो आएगा वो वर्ग आएगा, कौन सा वर्ग आएगा, 14 का वर्ग आएगा, 14 का स्क्वायर आएगा। तो आई होप आप इस चीज़ को याद करेंगे, वर्गों को एक से लेके 25 तक आप वर्ग रट लें। आपका वहाँ पर 1 मिनट बचने वाला है, और उस 1 मिनट को आप कहाँ पर लगाएंगे, अन्य क्वेश्चनों में लगा देंगे। हो सकता है आपको टाइम कम आपको महसूस हो, और आप अपना 1 1 मिनट बचा सकते हैं,
और ज़्यादा समय अपने एग्जाम में दे सकते हैं। फिर भाई एक क्वेश्चन और दिखाओ करके, जैसे 144 है, 100 है, 64 है, 36, 16 और यहाँ पर क्या आएगा। देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें ऐसा लग रहा है कि पहले संख्या बड़ी है, फिर छोटी है, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। हम इसमें अगर हमको वर्ग याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, घटाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, घटाने की कोशिश करेंगे। कितना घटाऊंगा मैं 144 में से, 44 घटाऊंगा तभी तो 100 आएगा। फिर यहाँ पर कितना घटाऊंगा, तो मैं घटाऊंगा 36। कितना घटाऊंगा, 36, इसमें से इसको घटाने की कोशिश करूंगा। 14 में से 6 गया 8 और 28 आ गया यहाँ पर। फिर अगर मैं घटाने की कोशिश करूंगा इन दोनों के बीच में, तो 20 आ गया, 20 आ गया। अब क्या लॉजिक बन रहा है इसमें, देखो 44, 36, 28, फिर 20, यानी कि हमको अब 8, 8 का अंतर पता चल रहा है। कितने का अंतर पता चल रहा है, 8, 8 का। जो अगली वाली संख्या होगी उसमें 8 माइनस करना पड़ेगा, 20 में से 8 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। तो 16 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। ये चीज़ घटा के तो आ जा रही है, घटाने के बाद तो आ जा रही है, लेकिन आपको यहाँ पर डबल सीरीज का काम करना पड़ रहा है। डबल सीरीज देखो, पहली सीरीज तो ये थी, यहाँ से आपको समझ में नहीं आया तो आपने फिर एक सीरीज लगाने की कोशिश की, वो थी -8 की। फिर -8 कर रहे हैं, यानी कि दो सीरीज बना दी आपने। अब एक सीरीज को आपने दो सीरीज में कन्वर्ट कर दिया, पहले इसमें कन्वर्ट किया, आपको समझ में नहीं आया कि कितना कितना घट रहा है। फिर जब आपने दोबारा घटाने की कोशिश की तो आपको पता चला कि हाँ भाई, हर किसी में से 8-8 घटाना पड़ रहा है। जब आपको 8-8 घटाना पड़ रहा है, दो दो सीरीज बनानी पड़ रही है, इससे अच्छा आप वर्ग याद कर लो। वर्ग में आप देखोगे तो ये 12 का वर्ग होता है, ये 10 का वर्ग होता है और ये 8 का वर्ग होता है, ये 6 का वर्ग होता है, ये 4 का वर्ग होता है। तो आप देखो 12, 10, 8, 6, 4, 4 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 2, ये 2 का वर्ग हो गया। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। इस प्रकार से आप इसको 10 सेकंड में कर लोगे, ठीक है। इस तरीके से आप वर्ग याद करने की कोशिश करना और फिर इन क्वेश्चनों को करोगे तो आ जाएंगे समझ में। वर्ग वाला और हम देखने की अगर कोशिश करें, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको होमवर्क से कर लेना, ठीक है। होमवर्क से कोशिश करना और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए ये रहा, और चलो भाई इतना ही करते हैं आज। और दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन भी देख लो, इसको भी आपको होमवर्क से करना है। तीसरा क्वेश्चन भी होमवर्क से करना है आपको। ये आपके क्वेश्चन है 3, और इन क्वेश्चन की मैं खासियत बताऊं, क्या खासियत है, ये खासियत इनकी ये है कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको नहीं आएंगे तो आप इनको घर से करने की कोशिश करना। आज हमने देखे महत्वपूर्ण नंबर सीरीज, यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं आपके, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज जितनी हमने लॉजिक पढ़े, इन्हीं लॉजिक में से कोई ना कोई लॉजिक फंस जाएगा, तो आप इनको करने की कोशिश करना। और इसमें और भी मतलब बहुत सारे थोड़ा सा टफ लॉजिक भी लग जाते हैं, और उन टफ लॉजिक को आपका क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, UKPCS के एग्जाम में। इसलिए मैंने उतना लेवल हाई करने की कोशिश नहीं की है, आप ही के लेवल का, ग्रुप सी के लेवल का कोशिश करने की कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही।